राफेल डील को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी कांग्रेस फाइटर जेट की कीमत को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार शुरुआत से ही कह रही है कि यूपीए सरकार के दौरान जिस राफेल विमान की खरीद पर सहमति बनी थी वह तकनीकी और सामरिक तौर पर कम उन्नत था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत ने राफेल की निर्माता फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन को लड़ाकू विमान में कई बदलाव करने को कहा था, जिसके बाद राफेल फाइटर जेट में कम से कम 14 अपग्रेड किए गए हैं। इस बदलाव पर लगभग 12,191 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत की मांग के अनुसार राफेल फाइटर जेट को अपग्रेड किया गया है, उससे इस विमान के पहले से ज्यादा सक्षम और मारक होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा आधुनिक और सक्षम राफेल विमान फिलहाल फ्रांस की वायुसेना के पास भी नहीं है। मोदी सरकार ने फ्रेंच कंपनी को जिन बदलावों के लिए राजी किया उसमें कांग्रेस सरकार विफल रही थी। विमान में पहले के मुकाबले ज्यादा प्रभावी बैंड जैमर, टो डेकॉय सिस्टम, उन्नत इंजन, रेडार और फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स अतिरिक्त जोड़ा गया है। इसके अलावा विमान को इजराइल की नई सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के अनुकूल भी बनाया गया है। साथ ही राफेल फाइटर जेट इजरायली मिसाइल को भी ले जाने में सक्षम होगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना को तत्काल लड़ाकू विमान की जरूरत है। मिग सीरीज के विमान पहले ही पुराने पड़ चुके हैं। लंबे समय से फाइटर जेट की खरीद नहीं हो सकी है। राफेल विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।